सिवनी मालवा न्यायालय में बनी न्याय वाटिका में सुंदर पौधे सुगंधित फूल हैं। न्यायाधीश यशवंत मालवीय की छोटी सी पहल से परिसर की दशा बदल गई। न्यायालय परिसर के पीछे पड़ी खाली जमीन पर लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका और न्यायालय कर्मचारी अधिवक्ताओं के सहयोग से न्याय वाटिका बनाई गई है। न्यायालय परिसर में नो पार्किंग में वाहन खड़े करने वालों को न्याय वाटिका में पौधे लगाने की सजा दी जाती है। आपको बता दें कि न्यायाधीश यशवंत मालवीय के अनुसार न्यायालय परिसर के पास जमीन का सही उपयोग करने का विचार आया, तब तय किया गया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को एक फूलदार पौधे लगा गमला जुर्माने के तौर पर न्यायालय परिसर में देना होगा। अब न्यायालय परिसर में व्यवस्थित पार्किंग के साथ ही परिसर भी फूलों की खुशबू से महक रहा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलकर्णी ने भी न्यायालय परिसर में हुए कायाकल्प की सराहना की है और इसे एक अच्छा कदम बताया। न्याय वाटिका कोर्ट परिसर में क्योंकि बहुत समय से इसका प्रयास चल रहा था और हमारे न्यायाधीश महोदय द्वारा ये राम वाटिका का निर्माण करवाया गया है जी। इस निर्माण कार्य में सभी का सहयोग रहा है क्योंकि यहाँ व्यवस्था जो अव्यवस्थाओं के रूप में जो लोग गाड़ियाँ खड़ी कर देते थे, इस पे फूल का गमले लाना या फूल बुलवाना, इस तरीके का कार्य करा के यहाँ पे राम वाटिका का निर्माण किया गया। इसमें आपसी सहयोग जिनका मिलता है, सबका सहयोग भी लिया जाता है, साथ ही समझौते होते हैं आपसी, वो जो समझौते अच्छे हो जाते हैं वो खुद स्वेच्छा से आके यहाँ अपनी राम वाटिका में या न्याय वाटिका में पौधे लगाते हैं। इसे राम न्याय वाटिका का निर्माण किया गया है। बारे में बताएं क्या प्रक्रिया है इसकी? न्याय वाटिका इसलिए बनाने की आवश्यकता पड़ी कि यहाँ पर स्पेस काफ़ी था जी, और स्पेस होने की वजह से और कुछ शासन की भी योजनाएं हैं हाई कोर्ट की जी, इसलिए ये न्याय वाटिका बनाने की जरूरत पड़ी है। इसमें क्या प्रावधान है जी? भाई शासन की तरफ से पैसा मतलब बजट आया है जी, और इसलिए ये सब ये कार्य हो रहा है उसमें। नहीं कोई उसमें है कि कुछ एक ऐसा भी नियम है कि फूलदार वृक्ष वगैरह गमले वगैरह देने? गमले फूलदार वृक्ष वगैरह जो मतलब यानी स्वेच्छा से जो कोई अपने मतलब हमारे वकील लोग, क्लाइंट लोग जी, स्टाफ के लोग जो भी दे सके वो अपने देते हैं क्या?